हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वालों के लिए, ठीक, जिसको एमडीसी बोलते हैं, जो उसमें केमिस्ट्री ऑफ फूड कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। ऑलरेडी हम पहले प्रीवियस वीडियो में लेक्चर तीन ऑलरेडी कम कर चुके हैं, जिसमें हमने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक, फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ा था, और आज फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे फूड फ्लेवर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, इनहेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशंस, फूड फ्लेवर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नाउ फूड फ्लेवर्स, तो फ्लेवर इज द सेंसरी इंप्रेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस and is determined mainly by the chemical sense of taste and smell. ठीक, तो फ्लेवर का मतलब क्या होता है कि एक सेंसरी इंप्रेशन है, सेंसेशन है किसी फूड का या अदर सब्सटेंस का, ठीक। और ये हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मेनली बाय द केमिकल सेंस ऑफ ए टेस्ट एंड स्मेल। ये कुछ चीजें होती है ना खाने की, खुशबू अच्छी आती है तो हमें लगता है कि ये टेस्टी होगा, ठीक है, स्मेल से, या फिर टेस्ट खाने के बाद खाते हैं, मतलब खाने के बाद हमें उसका टेस्ट आता है तो उससे पता चलता है कि इसका फ्लेवर अच्छा है। फूड फ्लेवरिंग्स आर इनग्रेडिएंट्स एडेड टू फूड टू इंटेंसिफाई और इम्प्रूव इट्स फ्लेवर। सो व्हाट आर फूड फ्लेवर्स, तो फूड फ्लेवर्स आर दोज सब्सटेंसेस इनग्रेडिएंट्स व्हिच आर एडेड टू इंटेंसिफाई और इम्प्रूव इट्स फ्लेवर। ठीक, तो एक लाइन की इसकी डिफिनेशन हो गई। दे आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाई ए मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस, हम मसाले डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, हर्ब्स डालते हैं, टेस्ट कंपोनेंट्स एंड कलर्स। ठीक, सो फ्लेवर इज वन ऑफ द थ्री मेन सेंसरी प्रॉपर्टीज विच आर डिसिसिव इन द सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड इंजेशन ऑफ ए फूड। ठीक, फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवर का मतलब ये है कि वन ऑफ द थ्री मेन सेंसरी प्रॉपर्टीज, इसको हम किसमें कहते हैं, विच आर डिसीव इन द सिलेक्शन एक्सेप्टेंस एंड इंजेशन ऑफ ए फूड। सम ऑफ द कॉमनली यूज सीजनिंग इंक्लूड हर्ब्स, स्पाइसेस, फॉर एग्जाम्पल सिनामोन, कॉन्डिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल एंड ए वेराइटी ऑफ विनेगर्स। तो ये सब हम चीजें क्या करते हैं, फूड में मिलाते हैं, ठीक, स्पाइसेस यूज करते हैं, हर्ब्स यूज करते हैं, ठीक, हल्दी, टर्मरिक डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है, ठीक, क्लियर। तो फूड फ्लेवर्स या फूड फ्लेवरिंग क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं फूड में जो हमारे फूड के क्या करते हैं, टेस्ट को, फ्लेवर को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिफाई और इम्प्रूव इट्स फ्लेवर। ठीक, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हर्ब्स, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स, सिनामोन्स, इसके इतना सीजनल में धनिया का पत्ता आता है, कोरिएंडर लीव्स भी आप डालते हैं तो उससे थोड़ा फ्लेवर टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे वेराइटी ऑफ विनेगर्स हमको अवेलेबल होते हैं तो उससे भी थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, क्लियर। तो आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो फूड फ्लेवर का डिफिनेशन या हमें एग्जांपल के साथ यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलिए अब बात आती है टेस्ट की। सो टेस्ट इज वन ऑफ योर बेसिक सेंसेस, ठीक, इट हेल्प्स यू इवेलुएट फूड एंड ड्रिंक सो यू कैन डिटरमाइन व्हाट इज सेफ टू ईट। तो जनरली हम टेस्ट से किसी चीज को बता सकते हैं, ठीक, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो खाने के लिए सेफ है या अनफिट है। इट आल्सो प्रिपेयर्स योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। द टेस्ट ऑफ फूड इज कॉज्ड बाय इट्स केमिकल कंपाउंड्स, कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड। दीज कंपाउंड्स इंटरैक्ट विद सेंसरी रिसेप्टर सेल्स इन आवर टेस्ट बड्स, तो उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करके उसके टेस्ट को, ठीक, द सेल्स सेंड इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन विच हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द टेस्ट। तब हमको ब्रेन को मैसेज भेजता है और ब्रेन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेस्ट है। ह्यूमंस कैन रिकॉग्नाइज सेवरल टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक, ईच टेस्ट हैज एन इवोल्यूशनरी पर्पस सच एज आइडेंटिफाइंग स्पॉइल्ड
foods or toxic substances. Now, the perception of taste of a taste has been divided into five primary tests. This syllabus में लिखा हुआ कि basics of taste. चलिए पहला हमको क्या सबसे पहला टेस्ट में क्या आता है स्वीट. ठीक तो स्वीट टेस्ट इज प्रीडोमिनेंटली इलिसाइटेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंडिकेट्स एनर्जी रिच फूड सोर्सेस. तो मेनली जब कार्बोहाइड्रेट्स फैमिली के आते हैं तो उसपे हमको क्या होता है मीठा लगता है. कोई टेस्ट जो होता है वो स्वीट लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है एक फॉर्मूला होता है सुक्रोज जिसको बोलते हैं चीनी. तो C12H22O11. तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं सुगर भी बोलते हैं. कॉमनली दीज आर आल्सो नोन एज सुगर. ठीक तो जनरली स्वीटनेस इज कॉज्ड बाय ए फॉर्म ऑफ सुगर और अल्कोहल. सर्टेन एमिनो एसिड्स पे आल्सो टेस्ट स्वीट. कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड्स होते हैं जो मीठा लगते हैं. स्वीट फूड्स आर ऑफन हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज विच प्रोवाइड आवर बॉडीज विद फ्यूल. दीज आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल्स ऑफ स्वीट फूड्स इंक्लूड हनी थिक स्ट्रॉबेरीज कैंडी फ्रूट जूस केक इटीसी. में क्या होते हैं मीठा टेस्ट स्वीट टेस्ट. तो यहाँ से क्या लिखेंगे स्वीट टेस्ट हमको कैसे मिलता है इज कॉज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स ठीक या इन फॉर्म ऑफ शुगर. कोई भी चीज अगर शुगर कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है सुक्रोज है ठीक फैक्टोज है लैक्टोज है तो ये जल्दी क्या होते हैं मीठा होते हैं. ठीक है साल्टी. तो साल्टी हमको किस चीज से मिलता है साल्ट. साल्ट मतलब नमक. ठीक तो साल्ट टेस्ट इज इलिसिटेड बाय सोडियम क्लोराइड. इसको बोलते हैं कॉमन साल्ट. सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं नॉर्मल साल्ट कर सकते हैं टेबल साल्ट कर सकते हैं कॉमन साल्ट. ठीक हालांकि इसमें कुछ सोडियम आयोडाइड भी मिला होता है. आयोडाइड चाहिए हमें थायराइड ग्लैंड के लिए. एंड अदर साल्ट एंड कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस. साल्ट टेस्ट इज अट्रैक्टिव एट लो concentrations and repulsive at high concentrations. ठीक soya sauce processed meat preserved olives fries ये सब क्या होता है salty test लगते हैं. ठीक है तो salt test mainly हमें कब पता चलेगा जब उसमें कोई ना कोई salt हो गए. अब salt में बहुत सारी फैमिली जो होती है but common नाम जो आता है वो है sodium chloride. sweet हमें कब लगेगा कोई test या टेस्ट में हमें मीठा लग रहा है स्वीट लग रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट या अल्कोहल. ठीक क्लियर. चलिए आने से अगर हमें क्या है हमें इसको ऐसे लिख देना है पॉइंट वाइज. चलिए नेक्स्ट टेस्ट में क्या आता है बीटर. तो बीटरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द टेस्ट. ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एंड मेनी perceive it as unpleasant. मतलब ये खाने में उतना tasty नहीं होता unpleasant होता है sharp or disagreeable. But it is sometimes desirable and intentionally added via various bittering agent. Common bitter foods and beverages includes coffee. एक unsweetened coca जिसमें अगर मीठापन नहीं किया गया मीठा नहीं किया गया तो उसका टेस्ट भी क्या होता है बिटर आता है. कोका टी बीटर गार्ड इसको करेला बोलते हैं. ठीक साइट्रस पील ये सब क्या होता है बीटर टेस्ट होता है. ठीक इथेनॉल इन अल्कोहलिक बेवरेज टेस्ट बीटर. तो जो इथेनॉल होता है इथेनॉल अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स आती है उसमें जिनमें क्या होता है इथेनॉल होते हैं. इथेनॉल होने से क्या होता है इसका टेस्ट बीटर होता है. दूसरा एक नाम आता है क्यूनिन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स बेटर टेस्ट एंड इज फाउंड इन टोनिक वाटर. ठीक तो बीटर टेस्ट ये सबसे ज्यादा हमारा सेंसिटिव होता है टेस्ट में. ठीक क्योंकि मोस्टली हमें क्या होता है अनप्लेजेंट होता है ये. ठीक है तो कभी कभी इसमें ये डिजायरेबल भी होता है इसको इंटेंसली हम मिलाते भी है जैसे अल्कोहल यूज करते हैं इथेनॉल यूज करते हैं जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक आता है. ठीक तो इसका टेस्ट जो होता है वो बीटर टेस्ट है. बीटर गार्ड करेला जिसको बोलते हैं तो भी क्या एक अलग ही उसका टेस्ट होता है जो बॉडी के लिए हम डायबिटीज वालों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदा होता है. नाउ
सॉर द सॉरनेस और डार्कनेस इज द टेस्ट ऑफ एसिड्स. जब एसिड्स आएंगे तो उस केस में क्या होगा, सॉर टेस्ट मिलेगा. इट इज ब्रॉट ऑन बाई हाइड्रोजन आयन्स. मैंने आप कह सकते हैं कि एसिड, कि जब एसिड आएगा हाइड्रोजन आयन का मतलब है ये एसिड्स. तो यहाँ में फिलहाल यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. जब एसिड्स आएंगे तब क्या मिलेगा, सॉर टेस्ट. ऑफन स्पॉइल्ड और रोटेन फूड्स टेस्ट सॉर. जो खराब हो गया है, रोटेन हो गया, सड़ गया है, स्पॉइल्ड हो गया है, उसका टेस्ट जो आता है वो सॉर टेस्ट आता है. सो इट इज थॉट बी इवॉल्व टू टेस्ट सॉरनेस टू आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ हार्मफुल फूड्स. तो ये हमारे लिस्ट है कि हार्मफुल फूड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इट्स सॉरनेस, बाय इट्स सॉर टेस्ट. बट नॉट ऑल सॉर फूड्स आर डेंजरस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेफली ईट सॉर फूड लाइक विनेगर. तो ऐसा नहीं है कि सबके सब जो सॉर वाले होते हैं खतरनाक ही होते हैं, डेंजरस ही होते हैं. ठीक, हम बहुत सारे खाते हैं एसिड, जैसे विनेगर खाते हैं. ठीक, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड. तो विनेगर, क्लियर. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड फ्लेवर्स. तो देयर आर थ्री मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड फ्लेवरिंग्स विच आर बेस्ट ऑन देयर ओरिजिन. कहाँ से बनाता है, कहाँ से हम उसको पाते हैं, उसके हिसाब से फूड फ्लेवर्स को क्लासिफाई किया गया है. तो देखिए फर्स्ट ये जनरल और वही है जो हम फूड प्रिजर्वेटिव में पढ़े थे. तो नेचुरल फ्लेवरिंग, देखिए नेचर, नेचुरल मतलब कहने से नेचर, नेचर कहने का मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स रॉ मटेरियल. तो दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर से जो हमें मिलेगा. नेचर कहने का मतलब एनिमल्स और प्लांट्स रॉ मटेरियल्स बाय फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और एंजाइम प्रोसेसेस. ठीक, इट कैन बी यूज्ड आइदर इन नेचुरल फॉर्म और इन प्रोसेस्ड फॉर्म. तो इसको या तो हम नेचुरल फॉर्म में यूज करते हैं या तो प्रोसेस फॉर्म में. इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स में अगर बात करें तो स्पाइसेज हैं, फ्रूट जूस हैं, एग्स हैं, हर्ब्स है, एडिबल ईस्ट है, वेजिटेबल जूस. इनको बोलते हैं नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज. ठीक, तो नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज हमें कहाँ से मिलते हैं, जो नेचर से मिलते हैं. नेचुरल वर्ड का मतलब ही हो गया नेचर, नेचर का मतलब हो गया प्लांट्स और एनिमल्स रॉ मटेरियल. ठीक, अब इनको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे पाते हैं, तो फिजिकल मेथड से, माइक्रोबायोलॉजिकल और एंजाइम प्रोसेस. इनको हम डायरेक्टली नेचुरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इन दी प्रोसेस्ड फॉर्म. सेकेंड में आता है नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस. ये नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल लिखा है, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस. सो दीज आर द फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन बाय सिंथेसिस और आर आइसोलेटेड थ्रू केमिकल प्रोसेसेस इन ए लैबोरेटरी. ठीक, बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स आर सेम टू द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचुरल प्रोडक्ट. दोनों का केमिकल सब्सटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है. तो जो नेचर से हमको मिल रहा है और जो हम यहाँ में उसी चीज को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस से किसी लैब में. दे डू नॉट कॉन्टेन एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस. इसमें कोई हम आर्टिफिशियल चीज नहीं मिलाते. ठीक, फॉर एग्जाम्पल वेनिलिन, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वनीला बीन्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए नेचुरल और नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस. ठीक, तो वनीला फ्लेवर हम बोलते हैं, आइसक्रीम वगैरह अक्सर आता है वनीला फ्लेवर. तो वो वनीला फ्लेवर क्या होता है, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज है. ठीक, इसको हम डायरेक्टली नेचर से नहीं पाते. देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरल वाले क्या होते हैं, डायरेक्ट नेचर से निकाले जाते हैं. तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. और नेचर आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, बट इसको हम लैब में बनाते हैं, प्रोसेस इन लैब और सिंथेसाइज इन ए लैब. ठीक, क्लियर. थर्ड कैटेगरी में क्या आएगा, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस. तो देखिए नाम में ही है आर्टिफिशियल. सो दीज आर द फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव्ड सिंथेटिकली ऑन एंड हैव नो इक्विवेलेंट इन नेचर. नेचर से इनका कोई मतलब नहीं होता. ये दीज आर 100% मैन मेड, मतलब ये सिंथेटिक होते हैं, ये लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं. So these are produced by fractional distillation and addition chemical methods of naturally sourced chemicals. ठीक,
फॉर एग्जाम्पल इथाइल वेनिलीन विच इज आर्टिफिशियल एंड स्मेल एंड टेस्ट लाइक वेनिलीन। तो देखिए वेनिलीन जो हो गया नेचर आइडेंटिकल हो गया, बट उसी में से हमने इसको वहां से केमिकली मेथड से इसको एक्सट्रैक्ट किया तो इसमें इथाइल नाम आ गया। ठीक, तो इथाइल वेनिलीन जो हो गया वो आर्टिफिशियल हो गया, बट इसका स्मेल और इसका टेस्ट जो होता है वो वेनिलीन की तरह है। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन आइसक्रीम कॉन्फेक्शनरी एंड पैक्ड गुड्स। तो इसको हम जल्दी आइसक्रीम वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने तीन नाम पढ़ा, नेचुरल, फिर पढ़ा नेचुरली डिराइव, नेचर आइडेंटिकल एंड देन सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। आप यहाँ में आर्टिफिशियल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे समझने के लिए बना है, लिखने के लिए तो हमें यहाँ से लिखना है। ठीक है, जैसे नेचुरल में क्या होता है, हमको नींबू, इसमें क्या होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड्स, विटामिन सी, लैक्टिक एसिड्स। ठीक, ये हमको क्या मिलता है, नेचुरल में मिलता है। ठीक है, एल्कोहल फ्रॉम नेचुरली फर्मेंटिंग फ्रूट्स। ठीक, नेचुरली डिराइव में क्या होता है, एल्कोहल फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल्ड फर्मेंटेशंस। तो फर्मेंटेशन से हम एल्कोहल बनाते हैं, वो तो है नेचुरली डिराइव, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सिंथेटिक में क्या होता है, विटामिन सी, ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड्स, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड्स मेड फ्रॉम ग्लूकोज, एल्कोहल मेड फ्रॉम इथेन एंड स्टील। तो ये हम लैब में इसको बनाते हैं। तो देखिए एल्कोहल हम नेचुरली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन से ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है और इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट एरियाज और ह्यूमन टंग्स। तो ये सिलेबस में लिखा हुआ है, ये जस्ट समझने के लिए कि देखिए जो हमारे टंग का मेन, यहाँ पे टंग का मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, ये इसका इसका बायोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक, कि स्वीट टेस्ट हमको कहाँ मिलता है, जैसे इसके फ्रंट वाले से ये जो पोर्शन होता है ये हमें स्वीटनेस को बताता है। ठीक, थोड़ा ऊपर जाएंगे ये जो पोर्शन होते हैं ये हमें साल्टी टेस्ट को बताते हैं, ये जो हमें होता है सॉल्ट टेस्ट को बताता है, और ये जो पोर्शन होता है हमें बीटल टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो टेस्ट एरियाज ऑफ द ह्यूमन टंग्स। तो ह्यूमन टंग्स में हम लोग का जो टंग्स का स्ट्रक्चर है वो लाइक दैट, इस तरह का है। अब इस पे जो ये मेन फ्रंट पार्ट है वो क्या बताता है, स्वीटनेस को बताता है, ये जो पोर्शन रहता है वो साल्ट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ये फिर सॉल्ट टेस्ट को इस साइड या इस साइड, एंड देन ये वाला पोर्शन जो होता है वो बीटल टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब उसी में आपको ये सब बायोलॉजिकल इनका नाम जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, एक ह्यूमन टंग्स। ठीक, तो ये जस्ट जानने के लिए, इसमें यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ए फ्लेवर इनहेंसर, ए फ्लेवर इनहेंसर इज ए सब्सटेंस दैट इज एडेड टू ए फूड टू सप्लीमेंट और इनहेंस इट्स ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर। ओरिजिनल टेस्ट या फ्लेवर को इनहेंसर मतलब बढ़ाने वाला, इनहेंस करने वाला। ठीक, तो फ्लेवर इनहेंसर्स करते क्या है, एम्पलीफाई एंड इंटेंसिफाई द फ्लेवर इंपैक्ट ऑफ अदर फ्लेवर कंपाउंड्स इन द माउथ। देखिए जो हमने फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया था, जो हमने फ्लेवरिंग कंपाउंड यूज किया है फूड फ्लेवर को, उसको ये बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये फ्लेवर इनहेंसर बोलते हैं, इनका काम क्या है, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना या इंटेंसिफाई करना द फ्लेवर इंपैक्ट ऑफ अदर फ्लेवर कंपाउंड्स। ठीक, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस इन दिस कैटेगरी आर मोनोसोडियम एल ग्लूटामेट, MSG इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मोनोसोडियम एल ग्लूटामेट, डाइसोडियम 5 इनोसिनेट IMP और डाइसोडियम 5 गुआनालेट। आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं MSG GMP। ठीक, क्योंकि सिलेबस में भी इसी नाम से लिखा हुआ है ये। हाँ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG इज एन इंपॉर्टेंट इनग्रेडियंट इन सूप्स, कैंड एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स। It is also used to enhance the taste of tobacco and has been widely used medically to treat haptic coma.
सो दीज सब्सटेंसेस इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन टोमेटोज एंड चीज। ठीक, तो ये मेनली क्या होते हैं, हमने पहले क्या किया, फूड फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया। ठीक, अब उनके टेस्ट को उनको और थोड़ा एम्पलीफाई करने के लिए, उनको और थोड़ा इंटेंसिफाई करने के लिए जो अदर फूड प्रेजेंट है, जो अदर फूड फ्लेवरिंग प्रेजेंट है, ठीक, उसके लिए हम एक कंपाउंड यूज करते हैं, उसके लिए एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फूड इनहेंसर। तो फूड इनहेंसर का काम क्या होता है, जो ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट है अदर फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, अदर फ्लेवर कंपाउंड्स, उसको ये बढ़ाते हैं, उसको इंटेंसिफाई करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेंसर। ठीक है, जैसे अगर आपने बॉर्नविटा हॉर्लिक्स का एड देखा होगा तो उसमें क्या बोलता है, जो दूध की शक्ति बढ़ाए, तो मिल्क। ठीक, और इसमें जब हॉर्लिक्स मिलाते हैं, बॉर्नविटा मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, जो दूध की शक्ति बढ़ाए, विच इम्प्लीफाई एंड एम्पलीफाई इंटेंसिफाई द पावर ऑफ मिल्क। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमें इनहेंसर, इनहेंसर जो क्या करते हैं वो बढ़ाते हैं, ये इनका काम होता है एम्पलीफाई करना, जो हमने फ्लेवर यूज किया है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया है, उसको ये बढ़ाते हैं। ठीक, जो ऑलरेडी उस फूड में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ये इनका डायग्राम है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सो मोनोसोडियम एल ग्लूमेट, ये व्हाइट कलर का पाउडर इस तरह होता है, इसको हम बोलते हैं MSG, मोनोसोडियम एल ग्लूमेट। ठीक है, तो फूड इनहेंसर का मेन काम होता है इंटेंसिफाई करना है फ्लेवर इंपैक्ट को, जो अदर फ्लेवर एजेंट ऑलरेडी हमने कंपाउंड यूज किया हुआ है, तो उसको जब हम टेस्ट जब उसको खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके फ्लेवर को और इंटेंसिफाई कर देते हैं। ठीक, चलिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल है, स्वीटनर्स का मतलब क्या होता है, जो हमें क्या देते हैं, मीठापन देते हैं, स्वीटनेस, विच प्रोवाइड स्वीटनेस टू आवर फूड। सो नेचुरल स्वीटनर्स लाइक सुक्रोज एंड फ्रक्टोज गिव स्वीटनेस टू अ सब्सटेंस, बट दे ऑल्सो कॉन्टेन कैलोरीज विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन्स व्हेन टेकन इन एक्स्ट्रा क्वान्टिटीज। ठीक, तो जो हम चीनी खाते हैं जनरली, वो क्या होते हैं कि वो हमें कैलोरीज देते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर सिंथेटिक केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू स्वीटन फूड्स एंड ड्रिंक, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एनी सिंथेटिक केमिकल्स, केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू स्वीटन फूड्स एंड ड्रिंक्स, या विच स्वीटेंस आवर फूड और ड्रिंक। ठीक, ये की डेफिनेशन, दे आर मेनी टाइम्स स्वीटर देन शुगर एंड दे आर कैलोरी फ्री। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम रहे थे कि ये कैलोरी फ्री होते हैं, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए पहला कि हम उनको चीनी बंद कर दो, ज्यादा एनर्जी कैलोरी वाले जो होते हैं, जैसे चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, पोटैटो नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है। ठीक, तो ये तीन चीज जनरली डायबिटीज वालों को पहले बंद कर दी जाती है, क्योंकि दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैलोरीज टू द बॉडी। बट ये जो होते हैं मीठे ज्यादा होते हैं, मेनी टाइम्स स्वीटर देन शुगर, नॉर्मल शुगर से ये ज्यादा मीठे होते हैं, बट इनमें फायदा क्या होता है कि दीज आर कैलोरी फ्री। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर एज इट डज नॉट एड मेनी कैलोरीज टू अवर डाइट। ठीक, इसलिए ये मोस्ट अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं, किसके लिए, स्वीटनेस के लिए। इट कैन बी यूज डायरेक्टली इन प्रोसेस फूड सच एज पडिंग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेक्ड गुड्स, जैम, मेनी अदर फूड्स एंड बेवरेज। तो ये डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं किसी प्रोसेस फूड में। इट कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर मिक्सिंग इट विद स्टार्च बेस्ड स्वीटनर्स, इनको हम मिक्स भी करके ले सकते हैं। ठीक, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो नॉर्मल शुगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को कैलोरी देते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेंगे तो फिर वो, ठीक है, तो इसलिए वेट कंट्रोल करने के लिए, फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जिनको डायबिटीज हुई है, ज्यादा चीनी नहीं खा सकते। ठीक,
तो उनके लिए एक सब्सिस्टेंस की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए आता आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक, तो ये नॉर्मल शुगर से ज्यादा मीठे होते हैं, बट इनमें फायदा क्या होता है कि ये कैलोरी फ्री होते हैं, ये ज्यादा कैलोरी हमें नहीं देते। नाउ सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट्स दैट आर यूज्ड टू स्वीटन फूड्स एंड ड्रिंक्स। ठीक, सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंक्लूड, नंबर वन क्या लिखेंगे, दे आर कैलोरी फ्री, ये कैलोरी फ्री है, इनमें ज्यादा कैलोरीज नहीं पाई जाती। दे डू नॉट प्रमोट टूथ डिके, दे आर सब्स्टिट्यूट सुटेबल फॉर पीपल विद डायबिटीज, डायबिटीज वालों के लिए ज्यादा फायदे हैं। दे आर अवेलेबल इन ए रेंज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, तो डिफरेंट फ्लेवर्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक, अब फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन लीड टू वेट गेन, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो लो इन कैलोरी कैन कंफ्यूज द बॉडी एंड लीड टू वेट गेन। दिस इज बिकॉज दे ट्रिक द बॉडी इनटू थिंकिंग इट्स कंज्यूमिंग शुगर विच कैन लीड टू ओवर ईटिंग। अगर हम ओवर ईटिंग ज्यादा करते हैं तो फिर ये हमारे वेट को बढ़ा भी सकते हैं। जनरली वेट कंट्रोल के लिए हम क्या होते हैं, शुगर फ्री जिसको बोलते हैं, कि कम शुगर चाहिए, कम कैलोरी चाहिए। ठीक है, बट वही है कि ये दिमाग में आता है कि चलो इसमें तो शुगर फ्री है, ज्यादा कैलोरी नहीं देता है, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर ये वेट को गेन भी कर सकते हैं। मे इंक्रीज डायबिटीज रिस्क, दे कैन ऑल्सो रेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज। द स्वीट टेस्ट विदाउट एक्चुअल शुगर कैन कॉज द बॉडी टू रिलीज इंसुलिन which can lead to insulin resistance to over time. ठीक, तो ओवर ईटिंग होने से ये एक्चुअली जो स्वीट टेस्ट विदाउट एक्चुअल शुगर, इनमें एक्चुअल शुगर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां से क्या होता है कि ये भी बेसिकली केमिकल्स ही हैं, तो कैन कॉज द बॉडी टू रिलीज इंसुलिन। माइट कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर अनदर कंसर्न। दीज स्वीटनर्स कैन कॉज ब्लोटिंग, गैस एंड डायरिया इन सम पीपल्स, मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। तो इनका डिसएडवांटेज ये भी है। इट कैन ट्रिगर स्वीट क्रेविंग्स, तो क्रेविंग फॉर स्वीट फूड्स कैन ऑल्सो इंक्रीज। सिंस दीज स्वीटनर्स आर मच स्वीटर देन शुगर, दे कैन मेक रियल शुगर मोर अपीलिंग, लीडिंग टू मोर क्रेविंग्स एंड देन पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गट हेल्थ। तो lastly these sweeteners can negatively affect gut health, they may alter the balance of healthy bacteria in the gut which can lead to other health issues. to aisa nahi hai ki ye calorie free hai to hame isko zyada amount mein lena hai, because basically these are also chemicals, isliye inka kuch disadvantage bhi hai. theek, aur isse bhi is duniya mein achhai hai to kuch burai bhi hai, to kuch cheeze kisi ke liye achhi hai to kisi dusre ke liye है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी है, उसका फायदा भी है, मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है। ठीक, चलिए अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं। तो पहला इसमें नाम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है सैक्रीन। ये अक्सर पूछता है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1879 बाई सी फाइलबर्ग एंड इरा रैमसन, ये जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, एंड इज कंसिडर्ड द oldest non-native sweetener, सबसे पुराना जो कॉमन नेम आता है वो है सैक्रीन। सुक्रोज इज अबाउट, ये सैक्रीन इज अबाउट, यहाँ पे सैक्रीन आएगा, तो ये जो होता है इट इज अबाउट 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन कैन शुगर, बट इट हैज ए बीटर आफ्टर टेस्ट। ठीक, सो इट कैन नॉट बी यूज इन प्रोडक्ट वेयर पैकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी as it becomes unstable when it is heated, but it can be used to sweeten low calorie sweets, candies, drinks and toothpaste. ये mainly हम क्या करते हैं, इसको cooking के लिए use, मतलब जहाँ हमें गर्म करना होता है, baking of food is necessary, इसलिए हम वहाँ इसको use नहीं करते हैं। और ये जो अक्सर जो question पूछता है कि ये कितना 550 times more sweeter than cane sugar, ये सैक्रीन का एक्चुअली ये केमिकल स्ट्रक्चर है।
है। तो इसकी केमिस्ट्री भी फिलहाल हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट सिर्फ ये कि सैक्रीन जो होता है वो एक कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है। एक ये 515 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर, जो नॉर्मल चीनी हम खाते हैं उससे लगभग 515 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। और इसका थोड़ा बिटर टेस्ट आता है। चलिए, इसको हम यूज नहीं कर सकते कहाँ में, ऐसे प्रोडक्ट में जहां में क्या करना है, बेकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी, क्योंकि जब इसको गर्म करते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। सेकेंड नाम आता है एस्पार्टेम। इन 1879 एस्पार्टेम वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज फाउंड दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। इट इज ए डाई पेप्टाइड मिथाइल एस्टर एंड इट्स नेम इज एस्पार्टिल फिनाइल एनिलीन वन मिथाइल एस्टर। चलिए, इसको भी मैं यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। इट इज कॉमनली यूज एज ए टेबल टॉप स्वीटनर एंड इज ऑल्सो यूज इन ए वेराइटी ऑफ फूड्स, ठीक। वेन इट इज हीटेड इट ब्रेक्स डाउन इंटू एमिनो एसिड्स एंड लूजेज इट्स स्वीटनेस, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर बेक्ड फूड एज इट इज एट इट बिकम्स अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। मेनली हम इसको काम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे नाम देके पूछ रहा है, तब हमें लिखना पड़ेगा एस्पार्टेम। तो इट इज ओनली यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। इनको सिर्फ हम कोल्ड वालों में ही यूज करते हैं, गर्म के लिए हम इनको यूज नहीं कर सकते। ये है एस्पार्टेम, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। थर्ड सुक्रोज। इट इज सिमिलर टू सुक्रोज इन टेस्ट एंड अपीयरेंस, मतलब मीठा तो है ही टेस्ट में, और अपीयरेंस मतलब देखने में भी ये किसके तरह है, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब नॉर्मल चीनी जिसको बोलते हैं। इट इज ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज एंड 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सोचिए 600 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, यस ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है एंड हेंस कॉमनली वेरी यूजफुल। इट डज नॉट कॉज टू डिके। सुक्रोलोज इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम स्प्लेंडर। सुक्रोलोज करेंटली होल्ड्स द स्टेटस एज द मोस्ट कॉमन शुगर सब्स्टिट्यूट यूज इन द वर्ल्ड टूडे फॉर फूड्स एंड बेवरेज, होल्डिंग 30% ऑफ द ग्लोबल आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट। तो ऑलमोस्ट 30% ये कवर करता है। तो इसका फायदा ये है कि इसको हम कुकिंग टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसके पहले जो पड़ा था एस्पार्टेम, इट इज ओनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक में यूज करना है तब हम एस्पार्टेम यूज करते हैं। ये जनरली 200 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। और इसको सुक्रोलोज को क्या होता है कि इसको हम गर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो गर्म खाने में अगर आपको यूज करना है तो सुक्रोलोज, क्योंकि इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ठीक। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वही होते हैं, आजकल स्टीविया एक आता है, या फिर आपने देखा होगा एक येलो डब्बे में आता है ना शुगर फ्री टेबलेट बोलते हैं जिसको, तो भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। हालांकि वो एक प्रोडक्ट है, यहाँ में हम इस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कंपाउंड सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक। तो सैक्रीन जैसे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा जो होता है वो कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और मार्केट में जो आता है बेकिंग पाउडर वो एक मिक्सचर होता है, उसमें एडिबल टार्टरिक एसिड भी मिला के रखा जाता है, ठीक है। चलिए, एक इसमें यहाँ पे करेक्शन है, पीछे हमने तो लेमन और नींबू, नींबू जो होता है ना लेमन, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एक्चुअली इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है साइट्रस फ्रूट, इसलिए इसको हम लोग ठीक। विनेगर, तो ये सब जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। हालांकि इसका फॉर्मूला अगर लिखे तो CH3COOH, ठीक। नींबू लेमन जो होता है उसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड। विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, तो जिन खट्टे चीजें होते हैं विटामिन सी, विटामिन सी का मतलब होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब सॉल्ट टेस्ट के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये जनरल क्वेश्चंस में अक्सर हमको मिलता है, ठीक है। तो नींबू जो खाते हैं नींबू लेमन, उसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड।
विनेगर जो खाते हैं उसमें क्या होता है एसिटिक एसिड, ठीक। विटामिन सी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। हाँ, दूध मिल्क जब ये फटता है मतलब इसका सावल टेस्ट आता है तो यहाँ में क्या बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक। तो जस्ट सप्लीमेंट टू योर नॉलेज, तो ये यहाँ से जनरल साइंस में आपको क्वेश्चन लगता है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सावर टेस्ट, ठीक। तो कोई भी अगर आइटम है अगर खट्टा आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई एसिड आएगा, उसी एसिड को हमने पीछे लिखा था एच प्लस आयन्स, क्योंकि एसिड वे होते हैं जो हमें एच प्लस आयन देते हैं, ठीक है। इसलिए तो ये था आज का फर्स्ट यूनिट का जो आपका सिलेबस था मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या है टाइप उनका देखा, ठीक। फूड इनहेंसर्स क्या होते हैं वो देखा, टेस्ट, ठीक। बेसिक टेस्ट उसका टंग्स, ह्यूमन टंग्स के बेसिक टेस्ट का फिगर डायग्राम, ठीक। देन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको नाम, उनका एडवांटेजेस, उनका डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का, इसमें फूड प्रिजर्वेशन था, फूड प्रिजर्वेटिव्स था, फूड एडिटिव्स था, एंड देन फूड फ्लेवरिंग, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देन फिर यूनिट टू और यूनिट थ्री के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो कुछ हमें कुछ ना कुछ वहां से क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको भी हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्वेश्चन को हम यहाँ में करके नोट करके और उसको डिस्कस कर लेंगे कि हमने इस वीडियो में ये क्वेश्चन लिखा है, ये आने से हमें ये लिखना है। एंड देन हम यूनिट टू और यूनिट थ्री को भी यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो लोग नए हैं चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का भी यहाँ पे सिलेबस मिलेगा और इन जनरल केमिस्ट्री रिलेटेड किसी भी के वहां से कंटेंट आपको मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर रहिए। जय हिंद।